हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही फेमस, बहुत ही टेस्टी कोकोनट राइस कच्चे नारियल के साथ। इसे बनाना तो आसान है ही, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी यम्मी चावल के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये है बासमती चावल, एक गिलास तेल या घी, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। उसके बाद पुदीना है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ, एक प्याज, और सब्जियों में मैंने लिया है शिमला मिर्च और गाजर, थोड़ा सा आलू भी लिया है और आधा नारियल है। एक गिलास अगर आप लोग चावल ले रहे हो तो आधा नारियल लगेगा। उसके अलावा कुछ मटर है और सूखे मसाले में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर बिरयानी मसाला एक स्पून, नमक, काजू गार्निशिंग के लिए और एक स्ट्रिप करिया पत्ती। सबसे पहले मैं चावल को धो के भीगने के लिए रख दूँगी। मैंने चावल को धो के भीगने रख दिया है। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। लहसुन को छील के काट के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अब इसको मैंने किया साइड में। अब मैंने नारियल का ऊपर का हार्ड वाला पोर्शन है उसको निकाल के इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। अगर आप फ्रिज में नारियल रख दोगे तो उसका ऊपर का छिलका ईजिली निकल जाएगा। अब मैंने नारियल के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। डाल के मैंने एक गिलास पानी भी साइड में लेके रखा है। पहले मैं इसको ग्राइंड करूँगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब पानी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। डाल के मैं इसको एक बार और ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड करते समय एक गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। ये है कोकोनट मिल्क, इसी मिल्क से हम लोग बनाएंगे राइस। अब मैं इसको छान रही हूँ छन्नी से। मैंने इसको छान लिया है। छान के प्रेस करके इसका पूरा दूध निकाल ले रही हूँ। अब इसको मैं एक बार और ग्राइंड करूँगी। ये फर्स्ट स्टेज वाला है हमारा मिल्क। ये थोड़ा सा गाढ़ा मिल्क है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है। अब इसी में मैं थोड़ा सा और पानी डाल के एक बार और ग्राइंड करूँगी। हमारा चावल एक ग्लास है तो कोकोनट मिल्क भी हम लोग उसी सेम ग्लास से ही काउंट करके लेंगे। मैं इसको भी छान रही हूँ। छानने के बाद हम लोग काउंट करेंगे कि हमारा कोकोनट मिल्क कितना बन रहा है। अगर हमारा चावल एक ग्लास है तो हमें कोकोनट मिल्क भी दो ग्लास चाहिए। अभी मैंने इसको अच्छे से प्रेस करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये दूध काफ़ी गाढ़ा है। अब मैं इसको काउंट कर रही हूँ सेम उसी ग्लास से। इस ग्लास में मैं डाल रही हूँ। डाल के मैं चेक करती हूँ ये कितना बना है। इसमें मैंने डाला है तो ये एक ग्लास बना और थोड़ा सा बचा है। अब मैं इसको भी नापूँगी, इसको डाल रही हूँ। अब हमें तो दो ग्लास वाटर चाहिए, दो ग्लास वाटर या कोकोनट मिल्क। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं बराबर इसको दो ग्लास कर रही हूँ, मतलब हमारा चावल एक ग्लास है, ये दो ग्लास। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने रखा है एक पैन। पैन जैसे गर्म हो गया अब मैंने इसमें डाला है घी। घी डाल के घी जैसे गर्म हो गया अब मैं इसमें डालूंगी काजू। काजू को फ्राई करके मैं साइड में रख दूंगी। काजू मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। मैंने काजू फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसाले आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हो। मैंने इसमें डाला है दो बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और एक फूल चक्र। अब मैंने डाला है शाही जीरा। शाही जीरा मत स्किप करना, भले कोई और मसाला स्किप कर दो, शाही जीरा से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे सूखा मसाला भुन गया उसमें मैंने डाला है एक लंबा कटा प्याज। प्याज डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। जैसे प्याज थोड़ा सा भुन गया उसमें मैंने डाला है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट एक स्पून। डाल के मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया है। जैसे ये थोड़ा भुन गया उसमें मैंने डाला एक स्ट्रिप करिया पत्ती और थोड़ा सा पुदीना। पुदीना डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पुदीना डालने से फ्लेवर तो आता ही है, डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है गाजर, शिमला मिर्च और आलू। इनको छोटे क्यूब में काट के डाल दिया है। यहाँ पे सब्जी आप इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। सब्जी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सब्जी से चावल हेल्दी बनेगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चावल जिसको हमने भिगा के रख दिया था, उसका पानी निकाल के मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चावल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भिगाया है, सिर्फ 15 मिनट के लिए भीगने रख दिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको एक बार और मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला या फिर आप गरम मसाला डालना जो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने चावल को ज़्यादा देर इसलिए नहीं भिगाया क्योंकि हमें इसको भुनना है। अगर चावल ज़्यादा भीगेगा तो भुनते समय वो टूट जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है कोकोनट मिल्क जिसको हमने निकाल के रख लिया था। डाल के अब मैं इसको एक बार मिक्स करके ढक के तब तक
पकाऊंगी जब तक कि चावल हमारे अच्छे से पक नहीं जाते। मैंने इसे 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने रख दिया। 7 मिनट बाद मैं देख रही हूँ चावल पूरा तो नहीं पका बट आधे से ज़्यादा पक गया है। मैंने इसे एक बार और मिक्स किया। मिक्स करके इसे ढक के मैं अभी धीमी आँच पर और 2-3 मिनट तक रखने दूंगी, या तब तक जब तक कि हमारे चावल अच्छे से पक नहीं जाते। चावल अच्छे से पक गए हैं, मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं चावल काफ़ी खिले खिले बन गए हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ती और फ्राइड काजू डाल के मैं इसे ढक दे रही हूँ। अब मैं इसे करूँगी सर्व। बहुत ही टेस्टी यम्मी कोकोनट राइस बनके रेडी है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है, आप इसे किसी भी सब्जी, कोरमा, रायता के साथ सर्व कर सकते हो। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आप भी ये टेस्टी यम्मी कोकोनट राइस बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।